हमें जो आज की क्लास में पढ़ना है वो है स्वतंत्र चर का परिवर्तन, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर से हम पहले पढ़ चुके थे, वो पढ़ चुके थे हम कि अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो द्वितीय कोटि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। और फ्रेंड्स, हमने जो पुरानी वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने सिंपली वाई को हमें यू में बदलना सीखा था, जो ये परतंत्र चर है, परतंत्र चर को हमने बदलना सीखा था। अब हम देखते हैं स्वतंत्र चर को कैसे परिवर्तित करते हैं। यानी स्वतंत्र चर, इसमें हम सिंपली एक्स को किसी और चर में जैसे जेड में परिवर्तित करके देखते हैं। हम इसको उसको परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं हम, डी वाई अपॉन डी जेड डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स, तथा हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स, जो कि हमारे पास आ जाएगा फ्रेंड्स। इसको सॉल्व करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, सॉरी डी अपॉन डी जेड डी वाई अपॉन डी जेड डी जेड अपॉन डी एक्स डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ पे हमने इसको डी अपॉन डी एक्स को डी अपॉन डी जेड में बदला, डी जेड से डी एक्स, डी जेड से डी जेड कट जाएगा, तो ये डी अपॉन डी एक्स ही आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया जेड के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस, इस बार हमने इसको किया है तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी जेड डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये वैल्यू अपने हमारे पास आ चुके हैं 1 2, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, सॉरी 1 एंड 2, ये दो वैल्यू आ चुके हैं हमारे पास, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ये वैल्यू पुट कर दी, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी जेड डॉट डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ये हमारे पास आ गया फ्रेंड्स। इससे हम सिंपली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से हमने डी वाई अपॉन डी जेड कॉमन लिया तो ये आ गया पी डी जेड अपॉन डी एक्स, और डिवाइड किया हमने इसमें डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर का, ये आ गया हमारे पास फ्रेंड्स प्लस। हमारे पास बचा कि हमने ये इसको यूज ले लिया, इसको ले लिया यूज हमने, तो हमारे पास बचा क्या क्यू वाई, तो ये आ गया क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, या फ्रेंड्स हमारे पास हमने डी वाई अपॉन डी जेड कॉमन लिया था, उसको डी वाई अपॉन डी जेड को यहां लिखना है, ये आ गया पी वन डी वाई अपॉन डी जेड प्लस इस टर्म को क्यू लिख देते हैं तो क्यू वन वाई इक्वल टू आर वन, यह आ गया हमारे पास। जहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास पी वन इक्वल है, पी वन क्या है हमारे पास, पी वन है वो है अपने पास डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस, एंड क्यू वन है अपने पास वो है क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड आर वन है वो है अपने पास आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे पी पी वन क्यू वन तथा आर वन जो कि एक्स के फलन है, परंतु जेड तथा एक्स के मध्य दिए हुए,
संबंध की सहायता से हम जड़ जड़ के पदों में व्यक्त किया जा सकता है इसको। तो इससे हम जड़ के पहले पहले हम क्या कर सीखेंगे, इसके लिए जड़ का एक्स फलन के रूप में हम चयन किस तरह से करते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले कि हम जड़ का हम जो चयन करेंगे वो किस तरह से करें, वो एक्स के फलनों के रूप में हम किस तरह से करेंगे, उसी कुछ मेथड्स हैं वो देखेंगे हम। अब फ्रेंड्स, जेड का ऐसे फल के रूप में हम चयन करते हैं, वो हम इस तरह से करते हैं कि या तो हमारे पास इक्वेशन में पी वन इक्वल टू जीरो हो जाए या क्यू वन इक्वल टू कोई हमारे पास कांस्टेंट आ जाए, इस तरह से हम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहली विधि देखते हैं, वो है ए। यदि हम जेड का चयन इस प्रकार करें कि पी वन इक्वल टू जीरो आ जाए, हमने जेड का चयन इस प्रकार करें कि पी वन इक्वल टू जीरो आ जाए, इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू, हमें जीरो हमने इस तरह से चयन कर लिया हमने जेड का कि ये जीरो आ गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर क्यू मान लो, तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी क्यू अपॉन डी एक्स, ये आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया अपने पास डी क्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी डॉट क्यू इक्वल टू जीरो, ये आ गया अपने पास डी जेड, ये डी वन अपॉन क्यू डी क्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी, ये आ गया। तो इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन के पास बाद हमारे पास आ जाता है ये लॉग क्यू इक्वल टू पी एक्स, ये फ्रेंड्स पी बराबर आ गया हमारे, लॉग क्यू बराबर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ डी एक्स। फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास ये इस टर्म को हम इधर ले गए हैं, तो ये माइनस प्लस है, ये इक्वल टू माइनस में आ जाएगा, माइनस लॉग ये आ जाएगा अपने पास, या क्यू बराबर आ गया अपने पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पी ऑफ डी एक्स, पर क्यू बराबर क्या है अपने पास फ्रेंड्स, अपने पर क्यू बराबर है डी जेड अपॉन डी एक्स, तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पी डॉट डी एक्स। तो जेड बराबर फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस पी ऑफ डी एक्स ऑफ डी एक्स, ये लिख सकते हैं हम फ्रेंड्स, जेड बराबर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब फिर इस वैल्यू पे हमारे पास हमने क्या माना था, ये जीरो होगा। अब अगर ये जीरो होगा तो हमारे पास ये इस इक्वेशन में पी वन जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन चेंज होकर आ जाएगी वो आ जाएगी ओनली इस तरह से डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वन वाई इक्वल टू आर वन, ये इक्वेशन आ चुकी है। इस इक्वेशन को हम सिंपली सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हम दूसरे मेथड पे आते हैं, दूसरा मेथड है वो अपने पास है। अगर हम जेड का चयन इस प्रकार करें कि जेड का चयन जो हमें करना है वो इस प्रकार करना है कि क्यू वन बराबर कोई भी कॉन्स्टेंट आ जाए, कोई कॉन्स्टेंट आ जाए, हमने मान लिया कॉन्स्टेंट सी स्क्वायर इस तरह से आ जाए, तो इसको चयन करने के लिए हम क्यू वन बराबर सी स्क्वायर हमें कोई चयन करना है, तो क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर लाना है हमें, ये लाना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्यू क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स सी का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं हम सी डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट क्यू, इस तरह से हम इसका चयन कर सकते हैं, या इसका हम इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन करने पर सी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रोट रूट क्यू ऑफ डी एक्स, इस तरह से हम जेड का चयन कर सकते हैं। ये जेड का चयन करने के लिए हमारे पास दो प्रकार के रूप हैं, इस तरह से हमारे पास ये जो क्यू वन बराबर है कोई कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएगा, और क्यू बराबर कॉन्स्टेंट चेंज होने पर हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सी स्क्वायर सॉरी सी सी स्क्वायर वाई इक्वल टू आर वन, हमारे पास इस तरह से इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, जो कि एक हमारे पास अवकल समीकरण द्वितीय कोटि का है, इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमने इस मेथड में जो कंक्लूजन निकाला था वो है अपने पास, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह की हो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस प
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो हमें इसको एक्स को जेड में परिवर्तन करने के लिए सिंपली हमें जेड में परिवर्तन करते हैं तो ये इस तरह से आ जाता है अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल टू आर वन, जहाँ पे हमारे पास आर ये पी वन क्यू वन है, आर वन की वैल्यू जो होती है वो इस तरह से होती है, पी वन बराबर होती है अपने पास डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और क्यू वन की वैल्यू जो होती है वो होती है क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और आर वन की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू पुट होती है, ये वैल्यू होती है, इन वैल्यू की हेल्प इन वैल्यू की हेल्प से हम या इस तरह क्यू वन का चेंज करते हैं कि वो कांस्टेंट आ जाए, या हम पी वन का इस तरह चेंज करते हैं, जेड का इस तरह चेंज करते हैं कि पी जो पी वन होता है वो जीरो हो जाए। ये दो हमारे पास फॉर्म होती हैं, इस फॉर्म में बदलने के बाद हम इनको सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सॉल्व। फ्रेंड्स हमने यहाँ एक क्वेश्चन ले ली एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस फोर एक्स क्यू डी वाई फोर एक्स क्यू वाई इक्वल टू फोर एक्स क्यू साइन एक्स स्क्वायर। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, हम इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो हमें एक लाना होता है, तो इसमें एक्स का हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम जो कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, तो उससे हम कंपेरिजन करते हैं। तो कंपेरिजन करने के बाद हमारे पास पी आ जाता है माइनस वन अपॉन एक्स, क्यू बराबर आ जाता है वो है माइनस फोर एक्स स्क्वायर एंड आर बराबर आ जाता है फोर एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए जेड को हमें क्या एक्स को जेड के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो उस पर उस टर्म में हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल टू आर वन। ये होती है हमारे पास फ्रेंड्स इक्वेशन। अब ये इक्वेशन होती है तो हमारे पास पी वन, जब पी वन क्या होता है हमारे पास पी वन होता है हमारे पास डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्यू वन बराबर होता है वो होता है हमारे पास क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर एंड आर वन जो होता है वो होता है हमारे पास आर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये होता है। अब फ्रेंड्स हम जेड का चयन हम इस प्रकार करते हैं यहाँ पे कि जेड का चयन कोई हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाए। सिंपली हम यहाँ पे देखते हैं कांस्टेंट, हम एक ऐसे देखते हैं कि इसको चयन करने के लिए सिंपली क्यू वन बार हमारे पास माइनस वन लाना है, तो क्यू वन माइनस वन लाना माइनस वन लाने के लिए हम चेंज कर रहे हैं इसको। हम वन के लिए भी चेंज कर सकते हैं लेकिन हम फोर सिंपलिसिटी आ गई हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो सिंपल हो जाएगा, इसके लिए हम क्यू वन बराबर माइनस वन लाने की सोच रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस वन इक्वल टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्यू बराबर माइनस फोर एक्स स्क्वायर था डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे वैल्यू हम जैसे वन लाने की कोशिश करते हैं तो डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर आता है, तो वो हमारे पास इमेजिनरी रूट में चला जाता है, इसलिए हमने माइनस लिया है, जैसे कि माइनस से माइनस कट गया, आ गया हमारे पास डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। यह हम लिख सकते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स, मतलब पॉजिटिव रूट ले लेते हैं इसका तो वो आ जाता है टू एक्स। नेगेटिव रूट भी ले सकते हैं हम, लेकिन हमने पॉजिटिव रूट लिया है ओनली इसका, तो जाएगा टू एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स। तो इससे हमारे पास जेड बराबर आ गया फ्रेंड्स हमारे पास फोर एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो जेड बराबर हमारे पास सॉरी फोर एक्स स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर आ जाता है ओनली, इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये। अब फ्रेंड्स हमारे पास जेड बराबर एक्स स्क्वायर आ गया, तो हम इसके लिए हमें डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, डी जेड अपॉन डी एक्स चाहिए।
डी जेड अपॉन डी एक्स आ गया हमारे पास 2x, एंड डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास ओनली 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम p1 की वैल्यू निकालते हैं, तो p1 की वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं तो आ जाएगी 2 प्लस p की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, p की वैल्यू माइनस वन अपॉन एक्स, ये तो आएगी माइनस वन अपॉन एक्स, एंड डी जेड अपॉन डी एक्स क्या आता है 2x अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये प्लस हमारे पास x से x कट गया तो माइनस टू, टू प्लस माइनस टू ये जीरो हो गया। इस तरह से p1 इक्वल टू हमारे पास जीरो आ गया। एंड r1 हम निकालते हैं, जो r1 है वो होता है अपने पास r अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी जेड अपॉन डी एक्स क्या आया था हमारे पास 2x आया था, और r क्या था हमारे पास 4x स्क्वायर sin x स्क्वायर, 4x स्क्वायर sin x स्क्वायर, ये यहाँ से भी देख सकते हैं r बराबर 4x स्क्वायर sin x स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास r बराबर 4x स्क्वायर sin x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, ये r बराबर आ गया r1 बराबर sin x स्क्वायर। ये हमारे पास r1 बराबर आ चुका है sin x स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हमारे पास p1 की q1 एवं r1 तीनों की वैल्यू आ चुकी है, तो हम वो वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। इसमें पुट करने पर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाते हैं अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन बराबर क्या आया था, पी वन बराबर आया था हमारे पास यहाँ से पी वन बराबर अपने पास जीरो आया था, ये आ गया। और क्यू वन बराबर हम क्यू वन क्या था हमने, क्यू वन बराबर लिया था हमने माइनस वन, क्यू वन बराबर माइनस वन लिया तो ये आ गया माइनस वाई इक्वल टू आर वन आ गया अपने पास साइन एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ चुकी है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट फ्रेंड्स हमने एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिया था, फ्रेंड्स ये हमारे पास जेड की टर्म में और ये एक्स की टर्म में, और जेड बराबर यहाँ से क्या आया था, जेड बराबर आया था हमारे पास वो था एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम जेड पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है साइन जेड। तो एक क्वेश्चन हमारे पास आ गई वो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू साइन जेड। अब फ्रेंड्स ये आ चुके हमारे पास, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सी एफ निकालते हैं। सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एम स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एम बराबर आ जाता है अपने पास प्लस माइनस वन। तो ये आ गया हमारे पास सी एफ बराबर आ गया सी वन ई की पावर जेड प्लस सी टू ई की पावर माइनस जेड। बट हमारे पास जेड की वैल्यू हमें चाहिए नहीं, तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स टर्म में चाहिए हमें, तो सी वन ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम पी आई निकालते हैं। अब फ्रेंड्स पी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपली वन अपॉन एफ डी ऑफ क्यू एक्स करते हैं। तो वन अपॉन एफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस वन क्यू एक्स, यहाँ पे जेड के टर्म में फंक्शन है तो ये साइन जेड आ जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए जेड हो, तो इसको हम एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए जेड से रिप्लेस कर देते हैं, बशर्ते एफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए। इससे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ एफ माइनस ए स्क्वायर तो यहाँ माइनस वन लिखते हैं तो ये माइनस वन टू हो जाएगा माइनस टू, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा अपने पास माइनस वन, या क्योंकि गुणांक किसका अल्फा बराबर वन है तो ये माइनस वन का स्क्वायर वन, तो ये हो गया माइनस वन माइनस वन साइन जेड इक्वल टू माइनस वन बाई टू साइन जेड, इसको लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन टू साइन एक्स स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो वाई बराबर आ गया है वो आ गया है अपने पास सी वन ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू साइन एक्स स्क्वायर। ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है ये हमारे पास अभिष्टल है, इट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन।